जब आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द राइट लोकेशन, कहाँ पे इंटर करना चाहिए हमारा सो दैट परफेक्ट परफेक्ट ट्रेड बन जाए। अब जैसे देखेंगे कि यहाँ पे एक हमारा चल रहा है सीएनएक्स का है, फिन निफ्टी का, कल की कहानी चल रही है। इसमें क्या हुआ था, ये ट्रेड टेलीग्राम पर भी शेयर है, तो ऐसा नहीं कि हमें आफ्टर मार्केट ऐसा करके दिखा रहा हूँ, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। जैसे मार्केट मान लो यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से, तगड़े मोमेंटम में ऊपर में गया, तो कोई भी एक रिटेलर होगा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का होगा, बोला यहाँ पे आएंगे तोड़ेंगे, हट गया इसी जगह पे खरीदा, खरीदते मार्केट रिवर्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। ये क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो जोन है, ये गैप थ्योरी के बेसिस पे जोन प्लॉट किया गया है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, एक लाइट येलो होता है, तीन कलर का जोन हम लोग प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा नीचे से मूव दिया मार्केट, ऊपर की तरफ गया, तो अगर इंटर किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे मार्केट आएगा पहले इस जगह पे, इस जोन के पास आएगा, ये जोन इसको रिपल्सन देगा, पहले यहां से चलेगा, ये दूर है तो ये जोन इसको अट्रैक्ट करेगा, जब पास आ जाएगा तो ब्लैक वाले के बहुत नजदीक आ गया मैग्नेट की तरह। और यहाँ पे मैं अगर रिपल्सन, रिपल्सन मतलब धक्का देना होता है, दूर करना होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ कोई रखा हुआ है और यहाँ पे कोई रखा हुआ था, अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, ये इधर की तरफ आएगा ना, इसी को ना अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, खींचना अपनी तरफ, और रिपल्सन का मतलब क्या होता है, दूर करना। यहाँ पे जब यहाँ पे नजदीक आ जाएगा तो रिपल्सन देगा तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। बेसिक से लॉजिक पे ये काम करता है, ये सेटअप है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है, इसको कहते हैं गैप थ्योरी। गैप्स यहाँ पे प्लॉटेड है, गैप में मार्केट बिहेव करता है, हर बार मोरलेस एक जैसा होता है। गैप जितना ही पतला हो जाए या फिर जितना थिक हो जाए, दोनों का अपना अपना रेलिवेंस है। यहाँ पे नीचे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक गैप यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो, ये पहले से प्लॉटेड होता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारा गैप है, डेली डेली लाइन चार्ट नहीं प्लॉट करना पड़ता है, प्लॉटेड है। तो यहाँ पे आया तो सबसे बड़ा सा जब ब्लैक कलर का जोन है, तो इसके नीचे आना अंदर जाना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो अगर ऊपर से नीचे आएगा ना तो इसको रिपल्सन देगा और एक बार अच्छा सा मूव ऊपर की तरफ ये कराएगा, तो देखते हैं क्या होता है। ये चलना स्टार्ट किया वहां से, और धीरे 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 चला और यहां से नीचे में आ गया, ठीक है बढ़िया है। अब जब ये नीचे की तरफ आ गया तो हम इंतजार कर रहे हैं यहां पे ऑर्डर लेने का, इस जगह पे ऑर्डर लगा के मेरा पहले ही इसके लोअर एंड पे मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस्ड है, ताकि एग्जीक्यूट हो जाए इस जगह पे, एकदम इसके बॉटम वाले एंड पे। देखते हुए तो एक ही बार में गया, देख सकते हो गैप का पावर आया, इस गैप से एक ही बार में इसको रिपल्सन देकर बाहर कर दिया, पूरा गैप के अंदर तो बॉडी को क्लोज भी नहीं होने दिया, इस गैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, विक दिया हुआ है, ये ऊपर में गया, एक अटेम्प्ट और करेगा तो जो क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ ठीक है, और इसके बाद जो बचा है उसके फिर दोबारा यहाँ पे एंट्री के बारे में हम लोग सोचेंगे। चलिए कंफर्म मिल गया यहाँ पे। अब एक नॉर्मल सा कोई भी रिटेलर होगा वो सोचेगा कि मार्केट इतना टूटा है, इसके बाद एकदम तुरंत नीचे खींचेगा कि अच्छा ये दिया है इस जगह पे, यहाँ पे आया हमारा, ये आया यहाँ पे वेव का फर्स्ट मूव आया, कुल बैक आया, इधर आया, अब इसका तगड़ा सा मूव देगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी पहुंच गया गैप के लोअर एंड पे, फिर से देखो यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है, इस गैप में पहला रिजेक्शन लिया तगड़ा, रिपल्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बाद तो पूरा ही खींच दिया। अब सोचो इसको रिपल्सन देके कितना कमाल का उड़ाएगा। 77 के आसपास में यहाँ पे भी प्रीमियम चल रहा था उस समय जहां पे गया था, तो अब देखिएगा सीधा एकदम खटाखट मूव करते हुए जाएगा, इतना ही टाइम है तो प्रीमियम को लगभग 120 पहुंचाएगा, और 77 78 से 153 तक के प्रीमियम को लेकर गया था, 153 तक हो गया काम खत्म। हमारा टारगेट कहाँ था, यही ये जो पर्टिकुलर जोन था जहां से आया था, यही मेरा टारगेट था। यहाँ पे गया अपना बुक करके यहाँ से बाहर, यहाँ पे गया जाते ही बुक करना है, बुक करते हैं यहाँ से हमने बाहर निकल जाना है, बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है। देख सकते हो कितना प्यारा से इधर रेड रेड बनते गया, नॉर्मल साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, इस पर नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्या है, हमने गैप थ्योरी के बेसिस पे ये गैप प्लॉट किया हुआ है, अपना है गैप थ्योरी जो बनाया हुआ है, खुद का प्रैक्टिस ऑफ मार्केट को ऑब्जर्वेशन से प्लॉट किया जाता है, जिसे गैप कहते हैं। और गैप को मार्केट 10 में 9 बार बहुत कमाल का रिस्पेक्ट करता है, और आया यहाँ से रिफ्लेक्ट किया बाहर चला गया, देखिए और जैसे ही चला गया यहाँ पे, इसके बाद कुछ खास मोमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट इसी बीच में अटक जाएगा। तो यहाँ से आया टूटता हुआ, गैप के पास आया, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर जो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे, और जो भी ऑर्डर यहाँ पे बचे हुए थे उन ऑर्डर्स को ये मार्केट एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व करते ही लेकर कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। क्लियर है, एक अपसाइड में बहुत ही बेहतरीन सा मोमेंट यहाँ पे मुझे देखने को मिला, और एक अच्छा सा ट्रेड हमने लगभग 2x कैपिटल का यहाँ पे हो गया ट्रेड, कहानी खत्म हुआ।
तो ये होता है गैप का पावर। बहुत ही शांति से बैठा बैठना होता है, और पहली बात होता है कि भाग के दौर के मार्केट में एंट्री नहीं करते हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, गैप के पास मार्केट को आने का वेट करते हैं। जैसे ही वो गैप के पास आ जाता है तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो हमारा अच्छे तरीके से इस जगह पे ये चला जाता है। बहुत बढ़िया सा यहाँ पे ट्रेड हमें देखने को मिल जाता है, वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। अगर आप सही तरीके से चीजों को देखते हैं तो मतलब क्या बताया जाए, आपका जो भी यहाँ बातें होंगी वो बहुत बहुत ही बेहतरीन किस्म की हो जाएगी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, टेलीग्राम पे शेयर किया गया था ट्रेड, और ये अपन लोगों ने वहां पे साथ में एंजॉय किए थे। देखेंगे आप, ये देखिए ट्रेड शेयर किया गया था 85 रुपीज के आसपास में, इसका प्रीमियम था जो चल रहा था, लगभग लगभग 85 था, ठीक है। और 85 में शेयर किया गया था, उसका थोड़ा सा करेक्शन लिया था, 77 के आसपास आया था, 152 तक, 153 तक हाई गया था। एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से इतना अच्छा ट्रेड हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर राइट अप्रोच में हम चीजों को सीखते हैं तो। ये है गैप थ्योरी। गैप थ्योरी सीखना थोड़ा सा मैथमेटिकली है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा पॉइंट है। इसके लिए अपने पास दूसरा भी सेटअप होता है जिसे कहते हैं हम लोग पावर ऑफ थ्री, और दोनों का ब्लेंड करके बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे पकड़ में आ जाता है, क्योंकि रॉन्ग ट्रेड हम इंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये सेटअप आपके पास एक बहुत ही पावरफुल और क्लीन सेटअप होना चाहिए, जिसपे आप आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकें और उसी सेटअप पे काम करें। सिंगल सेटअप पे एक या दो सेटअप बहुत होता है, 50 सेटअप की जरूरत नहीं होती मार्केट में। उसी सेटअप के हर हिस्से, हर एंगल को आपको जबरदस्त तरीके से जानना होता है, और एक बार आपने मास्टरी कर ली सेटअप के ऊपर में, फिर क्या ही कहना, कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होती। आप आराम से मजे में ट्रेड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कभी भी टेंशन बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सो दिस इज द पावर ऑफ सेटअप, पावर ऑफ पावरफुल सेटअप। हर बार ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ नहीं प्लॉट करना होता है, इज ओनली थिंग दैट इज द गैप, एंड इफ यू मास्टर द गैप यू कैन डू फेनोमिनल थिंग। अभी आप पे डिपेंड करता है कि गैप सीखने के लिए आपकी ग्रुप चाहिए होता है, कितना आसानी से आप सीखते हो, कितना डिफिकल्टी होती है। अगर आपने यहां तक देखा तो थैंक यू सो मच। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप इच्छा होगी तो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अपना कैपिटल जरूर बचा कर रखिएगा।